205 ऐसे कैट्स अगर उनको ठीक समय पर रेस्क्यू नहीं किया जाता तो उनकी मौत भी हो सकती थी। नंबर वन, दोस्तों इस बिल्ली की स्थिति को देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। ये बेचारी बिल्ली खुद तो नेट में फंसी थी, साथ में इसका छोटा सा बच्चा उसी के गले में नेट में अटका हुआ था, यानी दोनों माँ बच्चों को ये नेट बहुत ज्यादा घायल कर चुका था। माँ अगर अपनी जगह से हिलती भी थी तो इस बच्चे को काफी दर्द होता था। ये बेचारी माँ भी लाचार थी, लेकिन अगर ये कुछ नहीं खाती तो ये अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाती। माँ तो अपना दर्द झेल लेती है, लेकिन शायद ये बच्चा दर्द झेल नहीं पा रहा था। कुछ समय के बाद जब लोगों को पता चलता है तो उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया और किसी तरह से इस बिल्ली को पकड़ा, लेकिन अभी इसका बच्चा इसके गले में नहीं होता है। कुछ देर छानबीन करने के बाद पता चलता है कि बच्चा कहीं टूट कर गिर गया था। उसके बाद इस माँ को उठाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और फिर इसके सभी शरीर पर लगे हुए तारों को काट देते हैं और फिर इसके घावों को साफ कर देते हैं और फिर उसके बाद इसके बिल्ली के सभी बच्चों को उसके पास छोड़ देते हैं। भला वो रेस्क्यू टीम का जिन्होंने इस माँ बच्चे की जान को बचाया। नंबर टू, दोस्तों एक बिल्ली के छोटे से बच्चे ने अपना सर एक चूहे को पकड़ते हुए एक लकड़ी में फांस देता है। इसका पूरा सर एक छोटे से होल में दबा होता है, जिस कारण इस बच्चे का दम घुट रहा होता है और जब इसको एक व्यक्ति देखता है तो वो उसको बचाने के लिए लकड़ी को काटने लगता है, लेकिन वो लकड़ी को काटने के लिए ऐसा हथियार चुनता है। अगर गलती से बिल्ली को लग जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए इसी से काम चलाता है। ये बड़ी सावधानी से पहले तो बच्चे के लिए एक छोटा सा होल बनाता है जिससे वो बच्चा सांस ले सके, और धीरे धीरे लकड़ी का एक एक टुकड़ा काटते काटते वो पूरी लकड़ी को काट देता है। अब ये सबसे पहला बच्चे का सामने का पैर निकालता है और फिर उसके बाद उसका शरीर पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे वो बच्चा बाहर निकल आता है। इस तरह उस बच्चे की जान को बचा लिया जाता है। नंबर थ्री, दोस्तों इस जंगली बिल्ली को ध्यान से देखिए, जिसके गले में एक पाइप का टुकड़ा फंसा हुआ है जो इसे पूरी तरह से घायल कर चुका है। पाइप का ये टुकड़ा इसके गले में बचपन में ही अटक गया होगा, जिसकी वजह से ये अभी तक इतना बड़ा हो गया है, लेकिन टुकड़ा इसके गले को अभी तक इतना छोटा कर रखा है। बचपन से लेकर अभी तक इस बेचारी बिल्ली ने कितना दर्द सहन किया होगा, पता नहीं अब ये खाना खा रही होगी क्या इसके गले में से उतर पा रहा होगा या नहीं। जब कुछ लोग इसे सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो वो उसे बचाने के लिए उसे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। ये लोग जब डॉक्टर के पास इसे ले जाते हैं, जहाँ ये डॉक्टर इस बिल्ली को बेहोश कर देता है और बड़ी ही सावधानी के साथ इसके गले में से इस पाइप को निकाल देता है। जख्म काफी खतरनाक होता है, जिसके कारण ये लोग अच्छे से दवाई लगाकर बांध देते हैं और इस तरह इस बिल्ली की भी जान बचा ली जाती है। नंबर फोर, दोस्तों ये बिल्ली इस लोहे के दरवाजे को पार करते समय उसी में इसका पैर फंस जाता है। पैर पूरी तरह से मुड़ने के बाद ये बेचारी बिल्ली दर्द की वजह से खूब चिल्लाती रहती है, और जब ये व्यक्ति इस बिल्ली को देखता है तो उसको बचाने के लिए आता है, तो ये बिल्ली डर के कारण उस व्यक्ति पर हमला कर देती है, लेकिन ये व्यक्ति इस बिल्ली को बचाने की ठान लेता है और हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा लेकर उसके पैर को निकालने की कोशिश में लग जाता है, और इसी दौरान ये बिल्ली इस व्यक्ति को काट लेती है, जिसकी वजह से इसका खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति इस बिल्ली को निकालने की कोशिश में लग जाता है। बिल्ली पूरी तरह से दरवाजे में उलझ जाती है, तो ये व्यक्ति उसको पहले सीधा करता है और उसके बाद उसके पैरों को निकाल देता है। बेचारी बिल्ली दर्द की वजह से झटपटा रही होती है, लेकिन आखिरकार आजाद हो जाती है, और उसके बाद ये भला व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगा लेता है। दोस्तों इस भले इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर फाइव, दोस्तों सड़क के नालों को गटर तक पहुंचाने वाले पाइप में एक बिल्ली का बच्चा फंस जाता है। सड़क पर गाड़ियों की आवाज सुनकर ये बच्चा डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाता रहता है। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग यहां आ जाते हैं। लोगों को देखकर ये बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन जगह काफी छोटी होती है, जिसके कारण ये यहां से निकल नहीं पाता, और जब तक इसे यहाँ से निकालने का रास्ता नहीं मिल जाता, ये लोग इसे खाने और पीने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से अंदर गया था। उसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और वो लोग सीवर के अंदर चले जाते हैं। डर के कारण ये बच्चा कहीं अंदर नहीं गिर जाए तो वो उसके लिए जाली को लगा लेते हैं, और इस तरह इस बिल्ली के बच्चे की जान को बचा लिया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।